हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड और फैमिली मेंबर विनी चौबे। और कल के ब्लॉग की शुरू मतलब एंडिंग जहाँ से करी थी वहीं से आज की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे सोना को मैंने पिचकारी दिला दी है, रिया है, स्कूल लेके जा रही हूँ उन लोगों को, बच्चों को, और थोड़ा सा होली का सामान लिया है, कलर वलर और सौंफ वगैरह होती है, गोला वोला वो सब कुछ लिया है। और अब मैं सीधा घर जा रही हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल के लिए सॉरी, मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी, बट रात को मतलब ऐसा ही सिचुएशन आ गई, क्रिएट हो गई कि मैं नहीं दिख पाई, इसके लिए आई एम सॉरी। तो अभी देखिए आज के दिन बने रहिएगा, कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ मैं आप लोगों को। हाँ, आज का मौसम ऐसा है, धूप हो रही है बढ़िया खासी, बिल्कुल वेदर साफ़ है, बट भाई उत्तराखंड के मौसम का भरोसा मत कीजिएगा आप लोग। जिस दिन आप लोगों को लगेगा वाह क्या धूप है, उसी दिन बारिश आ जाएगी। कल रात को कोई अंदाज़ा नहीं था हम लोगों को कि तूफ़ान आएगा। मैंने पूजा पाठ करा, गेट बंद करा, आंधी तूफान आ गया अचानक से ही। मैंने कहा ओ इज्जा ये क्या हुआ। और उसी चक्कर में मेरा होली में रात की होली थी वहाँ जाना कैंसिल हो गया। मैंने कहा हमको पेड़ पाड़ गिर गया तो ये देखो, मैंने कहा था ना उत्तराखंड के मौसम का भरोसा मत करना। थोड़ी देर पहले कितनी धूप थी और अभी तक मैं घर पे भी नहीं पहुंची, देखो छांव हो गई और मौसम बारिश का हो गया। इसीलिए डोंट बिलीव ऑन वेदर। देख रहे हो मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो देखो गाइस अभी हम जा रहे हैं होली के लिए, इसमें ले लिया मैंने कलर, एक ही पैकेट कलर लिया है, सोना जा रही है, मैं जा रही हूँ और आप लोग भी चल रहे हो। चलो दिखाती हूँ मेरे गांव में कैसे होली मनाते हैं, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ, पीछे हम आ रही हैं, वो जा रहे हैं, वो आगे होली है वहाँ पे। इनके यहाँ पे होली है, धूप लग रही है, ये इनके यहाँ पे होली है, ये देखो इनके यहाँ पे भी गाना बजाना कर रहे हैं, होली के गीत गा रहे हैं। और तो काफी सारे गा रहे हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी औरतें आ गई हैं गांव की, ये सभी को एक दूसरे को रंग लगा के टीका लगा के दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हैं, वेल विशेस दे रही हैं कि सभी की दिवाली अच्छी जाए। सबको मतलब जितने भी गांव में हैं एक दूसरे को कलर लगा लगा के एक दूसरे को विशेस दे रही हैं। अब हम लोग उठ के जाने लगे हैं, अब हम दूसरे घर में जाएंगे, सब लोग ये लोग गीत गाएंगे और मैं सुनूंगी। और भी सी बात है, सोना मिल गई मुझे, लो लगाओ, आप भी लगा लो सबको। अब हम लोग जा रहे कहीं और होली के लिए, देखते हैं किसके घर जाएंगे। अब यहाँ देखो ये जो नीला वाला घर है इसमें हम जा रहे हैं, मतलब बाय फेस तो मैं सभी को जानती हूँ बट नाम मुझे नहीं पता कि कौन सा इंसान का क्या नाम है, ये नहीं पता, बट हाँ बाय फेस में सभी लोगों को जानती हूँ। इस घर में हम आ रहे हैं, मेरे को तो मेरा चेहरा ही नहीं नज़र आ रहा है। अब 10 मिनट बैठ के इनके यहाँ पे होली के गीत गाएंगे, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, ऐसे ही मतलब होली हमारे गाँव में मनाते हैं। होली मैंने भी मेरे गांव में फर्स्ट टाइम अटेंड करी है, मुझे बहुत अच्छी लगी और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और यहां पे थोड़ी सी धूप हो रही थी बट स्टिल हम लोग यहां पे बैठे हुए थे और मतलब जाने की तैयारी पे ही धूप थी। और देखो बच्चों को तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, देखो सारे बच्चे कैसे भूत बने हुए, कैसे मगन हो रखे हैं। और बीच बीच में थोड़ी सी बहुत मतलब कॉमेडी भी चल रही थी औरतों की बातों में,
तो बस आप लोग इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को और पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। कैसे कैसे हम लोग होली मनाते हैं मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। अब यहाँ पे हम सभी लोगों को प्रसाद, तो प्रसाद में होता है सौंफ, चीनी और गोला मिलाते हैं हमारे घरों में। ये होली का प्रसाद होता है यहाँ पे, सब घरों में जब होली गाना गाने के लिए जाते हैं, होली के गीत गाने के लिए जाते हैं, तो सबको यही प्रसाद मिलता है पूरे गांव में। मतलब चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, ये वाला प्रसाद ज़रूर होगा। उसके बाद कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। और बाकी ये देखो, और फिर मतलब होली के गीतों में जो है मतलब चंदा भी इकट्ठा होता है, वो मंदिर में बाद में काम आता है। तो ये देखिए यहाँ पे सास बहू हैं, ये मिलके डांस कर रही हैं, वो जो जिन्होंने मतलब मल्टी कलर की साड़ी पहनी हुई है, जो आगे हैं थोड़ी सी यंग दिख रही हैं, उनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली में, जिसका ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अगर नहीं देखा हुआ है शादी का ब्लॉग तो आप लोग जाके मेरी चैनल में देख सकते हैं। तो वो डांस कर रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ से संगीत का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं दूसरे घर में। अब देखते हैं कौन से घर की बारी है। ये अब हम आ गए हैं नेक्स्ट घर में, यहाँ पे भी डांस करते हैं, खेलते रहे यहाँ पे दिव्या, ओ दिव्या। और ये जो डांस करती है आपको दिख रही है, ये वाली ये बहुत इंटरटेनिंग, बहुत मतलब एक होता है ना पैकेज जिसमें डांस भी है, कॉमेडी भी है, गाने भी हैं, मतलब एक पैकेज में सब कुछ मिलेगा इनके अंदर। मतलब हर एक बहुत इंटरटेनिंग करेंगे, मतलब इनको देख के कोई भी बोर नहीं हो सकता है, इतना मतलब उन्होंने कॉमेडी करी। और ये देखिए यहाँ से भी उसके अब हम जा रहे हैं, देखिए अब हम पहुँच गए हैं उसमें। और ये घर में डांस नहीं हुए हैं, मतलब जिसमें मेरी मामी लगती है उसे वहाँ पर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी डांस करी, मैंने कहा ना ये बहुत इंटरटेनिंग है बहुत। और ये जो अमा है साथ में, ये भी मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ने काफ़ी इंटरटेन करा मेरे को। जो लग रहा था कि मैं बोर हो जाऊँगी, लेकिन बोर नहीं हुई। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि मतलब गाना कोई भी हो, मतलब कोई करे ना करे, इन्होंने करना डांस ज़रूर है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे गाँव की पहली बार होली अटेंड करी, बट होली में मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मतलब होली तो पूरा दिन चलती है, मतलब 2 बजे से स्टार्ट होके रात के 11 बजे तक चलती है। वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी इकट्ठी। मतलब हर एक घर में 20-25 मिनट हम लोग रुकते हैं, तो उतना बड़ा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे गांव में इस तरीके की होली मनाई जाती है। फिर ये देखिए सारी की सारी मतलब जितनी भी औरतें थी सभी लोग मिलके डांस करने लगे हैं। अब देख लीजिए अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे घर में, ये भी मामी जी का ही घर है मेरी। तो ये देखिए वो प्रसाद है जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, हमारे यहाँ पे ये प्रसाद मेन होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको ये प्रसाद देना ज़रूर है। ये रहा, हाँ यहाँ पे बच्चों ने मुझे कलर लगाया है तो मेरी नाक में कलर चला गया है। और इनके घर में हो रहा है पेंट, तो देखो भैया कितना ऊँचा चढ़े हुए हैं। यहाँ पे सोना हो रही है गुस्सा कि सभी बच्चे पिचकारी लेकर आए हैं, और आप पिचकारी मेरे लिए मतलब इसके लिए खरीद ली है, लेकिन मैं मेरे को पता नहीं था कि बच्चे पिचकारी लेके भी जा सकते हैं मतलब संगीत में।
जो फेमस हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का जो डांस है, ये ग्रुप बना के डांस करते हैं और बीच में मतलब जो ढोल बजाने वाला होता है, ये देखिए लड़की है ना, ये ढोल बजा रही है, ये बीच में होते हैं और बाकी सारे लोग इनका राउंड अप करते हैं। तो देखो इस तरीके से होता है। मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं इस बार इस ग्रुप में शामिल नहीं हुई हूँ। तो नेक्स्ट ईयर मैंने भी इस बार देखा है और मैं ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुई कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। नेक्स्ट ईयर अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट ईयर मैं भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। देखो फ्रेंड्स, होली हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर और अब शाम को होली होगी तो कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को शाम का भी नज़ारा दिखाऊं। हम लोग रात की होली के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अम्मा पता नहीं कुछ कॉमेडी बन रही, देखते हैं क्या बन रही। दिखा, इधर आके देखना, इधर आके देखो। ओह माय गॉड, ये हो गई अम्मा की तैयारी। बने क्या चोर या डकैत? क्या बने हो, चोर डकैत बनी क्या है? क्या लगा तू? हाँ बढ़िया, चलो चल सोना, अब हम जा रहे हैं होली में। जाओ, होली हो रही है मेन, वहाँ जा रहे हैं। देखो अम्मा जा रहे हम सब लोग। हाँ ये देखो इतनी सारी बटन, एक तो अंधेरा है, कुछ दिखेगा भी नहीं। ये देखो यहाँ पे लाइट आ गए तो हम सब जा रहे हैं। ये देखते हैं, अच्छा यहाँ हो रही है। ये बाप रे क्या बने हुए भाई राम। ये देख भूत भाई। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे रात की होली में कोई ना कोई कॉमेडी कैरेक्टर बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है। ये यहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता क्या बनकर आई थी, बट स्टिल मैंने पहचान नहीं पाई थी कौन है। जब इन्होंने अपना मतलब फेस का ये सब कुछ, कपड़े लत्ते सब कुछ हटाए, तब पता चला कि अच्छा ये तो मतलब गांव की हैं। मैं उनका नाम भी रिवील कर सकती हूँ क्योंकि ऐसे नाम रिवील करना मुझे नहीं पता उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। पहले उनसे पूछूंगी फिर मैं नाम रिवील करूंगी। तो ये अम्मा को तो आप देख ही रहे हो, अम्मा मेरे साथ में जो बन के आई थी यहाँ पे डांस कर रही हैं। और ये देखो दोनों का डांस स्टार्ट है। बच्चों ने, हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा था। और मुझे तो दिन की होली से ज़्यादा रात की होली पसंद आई थी क्योंकि डीजे वीजे कॉमेडी ये सब कुछ बन के आ कर दिन में भी बहुत अच्छा लगा था। रात को एक ही जगह पे बैठ के ये सब ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर्स को देखना, एक्टिंग करना। अम्मा यहाँ पे काफ़ी सारे गाने चल रहे हैं, वो मैं गाने आप लोगों को नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं गाने नहीं सुना सकती हूँ। बट ये है कि गाने बहुत अच्छे चले हुए थे, होली के ही गाने थे। तो आप लोग समझ सकते हो होली के किस टाइप के गाने हो सकते हैं। कुछ वैसे थे, कुछ पहाड़ी थे। और ये देखिए ये भी मतलब तैयार होकर आए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कोई भी पहचान में नहीं आ सकता है। आप उनको मतलब दिन में तो देखोगे लेकिन रात को बिल्कुल भी आप पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा ये मेरी चाची है या मेरी मामी है या मतलब मेरी जेठानी या मेरी जानने वाली हैं। आप बिल्कुल उनको मतलब ऐसे सोचोगे कि ये कोई अननोन पर्सन है, वो बनकर आए होंगे ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा अपने गाँव की होली देख कर। और उसके बाद में रात के नाश्ते में दिए जाते हैं पापड़ और आलू की सब्जी, चाय। चाय मैं रात को नहीं पीती हूँ, आप लोगों को पता ही, मैं किसी भी चीज़ के मतलब तीखी चीज़ के साथ चाय नहीं पी सकती हूँ, मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी बनती है, मैं नहीं पी पाती हूँ।
तो आलू की सब्जी बहुत मस्त बनी थी, तीखी तीखी सी बनी थी, मतलब सारी नींद भगा दी थी। अपने अच्छा लगा था जाने की तैयारी, और मैं भी मतलब तैयारी कर रही हूँ, मैं तो तैयार हो गई हूँ, सोना को ढूंढ रही हूँ, सोना भी मिल गई है, और जो मेरे साथ आई हुई थी उन्हीं के साथ ही जाऊँगी अब मैं। तो देखो गाइस, हम लोग आ गए घर पे, सोना वहाँ पे लेट गई है, और मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भी बोल गई थी। मैंने कहा चलो अभी याद आया सडनली, मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग तो खरीद ही जा रही सोने। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग और मेरे गांव की होली, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये होली अभी 26 तारीख तक चलेगी, तो कंटिन्यूसली ब्लॉग्स मेरे आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, लव यू।